नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का मंडी बाजार भाव अपडेट यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में गेहूं तेजी मंदी रिपोर्ट के बारे में। आगे आने वाले समय में गेहूं का दाम क्या रह सकता है, और इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना, तभी आपको पूरी बातें यहाँ पर समझ में आएगी। किसान साथियों, आपको इस वीडियो से आगे आने वाले समय में गेहूँ का दाम कितना और बढ़ सकता है, एक खुद ही अंदाज़ा आपको लग जाएगा। सरकार गेहूं किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रयासरत है। इसके लिए सरकार ने गेहूं के समर्थन मूल्य 2125 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर यानी कि 2800 रुपये प्रति क्विंटल तक करने के लिए प्रयास जारी है। मध्य भारत में गेहूं का सबसे ज़्यादा रेट मध्य प्रदेश की विदिशा मंडी में था। प्रदेश की मंडियों में आवक के कम होने की वजह से सरकार ने लिया फैसला, न्यूनतम समर्थन मूल्य में होगी वृद्धि। गेहूं के सबसे बड़े उत्पादक राज्य यूपी को इसे गुजरात से खरीदना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश में गेहूं की कीमतें 3050 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गई है कुछ मंडियों में। वहीं राजस्थान में गेहूं की कीमतें 2700 रुपये प्रति क्विंटल तक देखने को मिल रही है। वहीं आपको बता दें, NCR उत्तर प्रदेश बिहार के कई हिस्सों में गेहूं की कीमतें 2900 रुपये प्रति क्विंटल के पार पहुंच गई है। अनाज कारोबार से जुड़े लोगों और कारोबारियों ने इसकी पुष्टि की है। केंद्र सरकार ने गेहूं को खुले बाज़ार में OMSS ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत बेचने की पहल अब तक नहीं की है। वहीं आपको बता दें, गेहूँ की फसल बारिश के कारण भी काफ़ी खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से भी बाज़ार में तेजी आई है। इस कारण गेहूं की कीमतें रोज़ नई ऊंचाई पर पहुंच रही है। पूर्वी भारत में भी गेहूं उपलब्ध नहीं है। जब से केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत गेहूं का आवंटन रोका है, खुले बाज़ार में इसकी मांग बढ़ गई है। गेहूं के भाव में तेजी आने के कारण सरकार ने फैसला लिया है कि अब किसानों से गेहूं 2800 रुपये प्रति क्विंटल तक खरीदे जाएंगे। पिछले साल की तुलना में ये करीब 20% अधिक है। इन मामलों के मंत्रालयों के आंकड़ों के अनुसार खुदरा बाजार में गेहूं के भाव करीब 31.27 रुपये प्रति किलो के हिसाब से देखने को मिल रहे हैं, जबकि पिछले वर्ष की तुलना में 15.76% ज़्यादा है। वहीं गेहूं का आटा 37.03 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से मिल रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में 18.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। इस कारण गेहूं की कीमतें 2022 के रबी सीजन में तय न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रुपये प्रति क्विंटल की तुलना में लगातार बढ़ते रहे हैं। इस वर्ष 2023 के खरीफ फसल के सीजन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर 2125 रुपये प्रति क्विंटल तक कर दिए गए हैं। वहीं आपको बता दें किसान साथियों, इन सभी आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए यानी कि यह निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि आगे आने वाले समय में गेहूं का दाम अच्छा खासा आपको देखने को मिल सकता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।